प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य में मौजूदा जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे विकास से कांग्रेस नेता बौखला गए हैं और विकास कार्य नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले सिरमौर जिला में बीते दो दिनों के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 325 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास जहां जहां का भी हुआ, इसी प्रकार से एक दिन में 150, 200, 250, 300 करोड़ तक के उद्घाटन शिलान्यास और जो भी वहां की जनता की मांगे रही उनको ना केवल घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की अपितु उनको पूरा भी किया, उनके लिए धन की स्वीकृति भी की, उनके लिए बजट का प्रावधान भी किया। और ये केवल मैं जिला सिरमौर की बात नहीं करता, सभी जिलों में और सभी 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास भी हुए हैं और वहां पर विकासात्मक कार्य भी किए गए हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और वर्ष 2022 में मिशन रिपीट को सफल बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी उपचुनाव में हार पर मंथन कर रही है। इन उपचुनाव में हम मानते हैं कि हमारे जो है नतीजे अपेक्षाकृत जैसा हम चाहते थे वैसे नहीं रहे। हम उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं। हम सभी चाहे वो 17 विधानसभा क्षेत्र मंडी संसदीय क्षेत्र के उन 17 विधानसभा क्षेत्रों में भी कहां पर क्या कमी रही है और इसके अलावा जो 3 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी हम जो है उनके बारे में भी चिंतन करके जो भी कमियां रही हैं उनको कमियों को हम दूर करेंगे